हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़। तो आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की वीडियो का पार्ट नंबर 8 लेकर हाजिर हुआ हूं। इससे पहले मैंने 7 पार्ट और भी बनाए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राफेल नडाल विंस मैक्सिकन ओपन 2022 टू क्लिंच हिज 91st ATP टाइटल। तो राफेल नडाल टेनिस प्लेयर जो हैं, इन्होंने मैक्सिकन ओपन 2022 का टाइटल जीत लिया है, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया सिक्योर्स 8 मेडल्स एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। तो याद रखना है, इंडिया ने 8 मेडल्स जीते हैं सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया सादिया तारिक विंस गोल्ड इन वुशू स्टार्स चैम्पियनशिप इन रशिया। तो ये आपको याद रखना है, सादिया तारिक ने इंडिया के लिए गोल्ड जीता है किस में? वुशू में, जो कि रशिया में हुई थी चैम्पियनशिप। सादिया तारिक कहाँ से हैं? ये हैं जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये आपको याद रखना है। अगली बात कर लेते हैं 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की। तो 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स जो भी शेड्यूल हैं वो 2022 में शेड्यूल हैं वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, वहाँ शेड्यूल है। एक्चुअली ये होने वाले थे नवंबर 2021 में, तो ड्यू टू पेंडेमिक ये 2022 में शेड्यूल हो गए, तो ये आपको याद रखना है। पूजा जतियान विंस सिल्वर एट 2022 पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स इन दुबई। तो ये आपको याद रखना है, पूजा जतियान ने सिल्वर जीता है 2022 के पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और जो कि हुआ कहाँ है? दुबई में हुआ है, ये आपको याद रखना है। सौरभ चौधरी विंस 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। ISSF वर्ल्ड कप जो कि इजिप्ट के कायरो में हुआ है, वहाँ सौरभ चौधरी ने गोल्ड जीता है, ये आपको याद रखना है। सौरभ चौधरी कौन है? ये एक शूटर हैं, आपको याद रखना है। निखत जरीन एंड नीतू विंस गोल्ड फॉर इंडिया एट 73rd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन सोफिया। सोफिया बुल्गारिया में हुआ था ये टूर्नामेंट, तो वहाँ निखत जरीन और नीतू ने इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। और ये टूर्नामेंट किस चीज़ का था? तो याद रखिएगा, बॉक्सिंग का टूर्नामेंट था। सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।